नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया था, तब से उस पर बवाल मचा हुआ है। अपने इस बयान से राहुल गांधी एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा उनको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच राहुल गांधी की वकालत करने वाले कर्नाटक बीजेपी विधायक डॉक्टर वाई भरत शेट्टी एक बार फिर से चर्चाओं में है। शेट्टी दांत के डॉक्टर हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कह दिया है, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के हिंदू धर्म पर दिए गए बयान को लेकर भड़के कर्नाटक के भाजपा विधायक डॉक्टर वाई के भरत शेट्टी के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसा करने से 7 से 8 FIR दर्ज हो जाएंगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मैंगलोर शहर आते हैं तो हम उनके लिए यही व्यवस्था करेंगे। जरा सुनिए उन्होंने ऐसा कैसे कहा। शास्त्र हेगे उपयोग समाज अरे ना मलगो स्वल्प जास्ती ना नीले ना एचर मेलस भाषा राहुल गांधी माता अन्वंत मनस्थित ना बरतने के अन्स्तान पार्लीमेंट हाकिदंड वही राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, पागल को नहीं पता कि अगर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो वो भस्म हो जाएंगे। उन्होंने हिंदू विरोधी नीति अपनाई है, ये स्पष्ट है कि LOP राहुल गांधी एक पागल है। उसे लगता है कि वो हिंदुओं के बारे में जो कुछ कहेगा हिंदू चुपचाप सुन लेंगे। अगर वो संसद में बोलेगा तो स्थानीय नेता यहाँ अपनी दुम हिलाना शुरू कर देंगे। भरत शेट्टी ने कहा कि हिंदू धर्म और संस्थाओं की रक्षा करना बीजेपी का कर्तव्य है। बता दें डॉक्टर शेट्टी पिछली बार मैंगलोर सिटी नॉर्थ से चुनाव जीते थे। शेट्टी कर्नाटक में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं। जाहिर है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले संसद में कहा था कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, मगर हिंदू खुद को कहने वाले भाजपा और RSS के लोग दिन भर नफरत और हिंसा की बात करते हैं। उनके इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ था। बीजेपी नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक कहा था कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसा कहा है। राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने उनके पुतले भी जलाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।